नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ फ्लिपकार्ट की एक और नई सेल के बारे में जो दोस्तों चलने वाली है 16 मार्च से लेके यानी दोस्तों आज से लेके 20 मार्च तक। और दोस्तों ये जो सेल है इसका नाम है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक सेल, जिसको आप होली सेल ही बोल सकते हो, क्योंकि दोस्तों इसके बाद शायद ही कोई सेल आएगी जो होली से पहले और कोई सेल आए, तो इसको आप होली सेल ही बोल सकते हो या फिर इसको आप बोल सकते हो इलेक्ट्रॉनिक सेल। दोस्तों इस सेल में हमें काफ़ी अच्छे अच्छे ऑफर देखने को मिलते हैं काफ़ी स्मार्टफोन के ऊपर, जिनके बारे में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। और दोस्तों मैं आपको सिर्फ वही चीज़ बताऊंगा, वही ऑफर बताऊंगा जो हमें इस लिस्ट में देखने को मिलते हैं, क्योंकि दोस्तों इस लिस्ट आपको पता होगा हर सेल में हमें काफ़ी फ़ोन है जिनके ऊपर डिस्काउंट मिलता है, पर हर फोन वैल्यू फॉर मनी नहीं होता। तो मैं आपको सिर्फ उन्हीं फ़ोन के बारे में बताऊंगा जो इस लिस्ट में वैल्यू फॉर मनी है, जो अच्छे ऑफर के साथ हमें देखने को मिल रहे हैं। और दोस्तों साथ में आपको एक बात और बता दूँ कि मैं आपको कोई भी किसी भी फ़ोन के बारे में डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि डिटेल में जब अगर मैं बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों जिन जिन फ़ोन के बारे में आपको बताने वाला हूँ उनके बारे में आपको वैसे ही पता होगा कि उसमें हमें क्या क्या मिलता है, बट दोस्तों मैं जो प्राइस बताने वाला हूँ, जो ऑफर बताने वाला हूँ, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। और वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि दोस्तों आपको समझ में इससे अच्छे से आए कि आपको कौन सा फोन लेना चाहिए और किस फ़ोन पर आपको क्या ऑफर देखने को मिल रहा है। तो मैं आपको एकदम लाइव दिखाने वाला हूँ फ्लिपकार्ट के ऊपर कि आपको किस फ़ोन पर कितना ऑफर मिल रहा है, तो वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो दोस्तों वीडियो शुरू से पहले आप रिक्वेस्ट है कि अगर चले पहली बार आए हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे मेरे हर वीडियो नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। और तो दोस्तों फ्लिपकार्ट के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक नाम से एक सेल स्टार्ट हो चुकी है, जो कि दोस्तों आज से यानी कि 16 मार्च से लेकर 20 मार्च तक चलने वाली है। और दोस्तों इसमें आपको डिस्काउंट तो मिलेगा ही हर जो जो फॉर्म दिखाए जा रहे हैं उनके ऊपर, साथ दोस्तों आपके पास अगर HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो उसके ऊपर आपको अलग से 10% का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो काफ़ी अच्छा ऑफर है और मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको इनमें से काफ़ी ऐसे स्मार्टफोन है जिनके ऊपर अच्छे अच्छे ऑफर मिल रहे हैं जो आपको लेने चाहिए। यहाँ तो दोस्तों काफ़ी फोन दिखाए गए हैं, बट दोस्तों मैं आपको कुछ सिलेक्टेड फोन दिखाऊंगा जो इस लिस्ट में दोस्तों काफ़ी अच्छे वैल्यू फॉर मनी साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों पहले स्मार्टफोन की बात करें तो जी आता दोस्तों आईफोन की तरफ से, जी दोस्तों आईफोन 11। दोस्तों जो आपको दिख रहा होगा ये देखिए यहाँ पे इसकी प्राइस दिखाई जा रही है दोस्तों 47,000 रुपये, बट दोस्तों अगर आप इसे HDFC बैंक कार्ड से इसका पेमेंट करते हो तो ये आपको 1500 रुपये और कम तक मिल सकता है, यानी दोस्तों ये आपको 45,500 या फिर 45,000 रुपये के आसपास देखने को मिल जाएगा, जो कि दोस्तों काफ़ी अच्छा ऑफर है अगर आपको एक फ्लैक्सी फ़ोन चाहिए जो देखने में काफ़ी अच्छा हो, प्रीमियम लगे और आईफोन कंपनी का हो, एप्पल कंपनी का हो, तो दोस्तों आप इस फ़ोन की तरफ जा सकते हो। काफ़ी अच्छे कैमरा है, इसके डिस्प्ले काफ़ी अच्छी है, हर मामले में फ़ोन काफ़ी अच्छा है, 45,500 रुपये दोस्तों काफ़ी अच्छी डील है। दोस्तों दूसरे ऑफर की बात करें तो जी आता है दोस्तों POCO X3 के ऊपर, आपको दिख रहा होगा कि ये फ़ोन इस सेल में आपको मिलेगा 14,500 रुपये का, बट दोस्तों वहीं अगर आप इस फ़ोन का पेमेंट करते हो HDFC बैंक कार्ड से तो ये आपको मिल सकता है सिर्फ 14,000 रुपये के आसपास, 14 या फिर 13,500 दोस्तों काफ़ी अच्छा डील है, क्योंकि वैसे इसकी जो प्राइस दोस्तों वो 16-17,000 रुपये के बीच की, बट 13,500 रुपये दोस्तों काफ़ी अच्छी डील है, इसको आप खरीद सकते हो। अब अगले ऑफर की बात करें तो जो दोस्तों फिर आती है iPhone XR के ऊपर, iPhone की तरफ से जिसकी दोस्तों जो प्राइस है वो है 39,000 रुपये, बट अगर आप इसका पेमेंट फिर से बोलूँगा अगर आप इसका पेमेंट करते हो HDFC बैंक कार्ड से तो ये आपको 36,500 या 37,000 रुपये का असर पड़ सकता है। और दोस्तों अगर आपको एक ऐसा फोन चाहिए जो देखने में काफ़ी सुंदर लगे, छोटा हो, हैंडी हो, आपके हाथों में आराम से आ जाए, तो आप आईफोन ऐसी ले सकते हो जो कि दोस्तों 30,000 रुपये का डिवाइस है आईफोन का, जिसमें दोस्तों कैमरा काफ़ी अच्छे दिए गए हैं, डिस्प्ले काफ़ी अच्छी है, देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, बस इसकी डिस्प्ले जो दोस्तों साया है वो थोड़ा छोटा है, वैसे दोस्तों काफ़ी अच्छा फ़ोन है जी, आपको मिल जाएगा इस लिस्ट में 30,000 रुपये का, और इसका पेमेंट अगर आप कार्ड से करोगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 27,000 से 27,500 रुपये के आसपास। तो दोस्तों 3-4 डिवाइस तो ये हो गए, उसके बाद दोस्तों आता रेडमी का Redmi 9 Power। दोस्तों अगर आपको एक ऐसा फ़ोन चाहिए जो 10,000 रुपये से कम की कीमत में आए, जिसमें आपको बड़ी बैटरी दी जाए 6,000 mAh की, फुल HD डिस्प्ले हो, ट्रिपल कैमरा सेटअप हो बैक में और रेडमी दोस्तों ब्रांडिंग हो, तो आप इस फ़ोन को ले सकते हो, ये आपको 10,500 रुपये का मिल रहा है इस लिस्ट के अंदर, इस सेल में। और अगर आप इसका पेमेंट करते हो HDFC बैंक कार्ड से तो ये मिल जाएगा आपको 9,500 रुपये के आसपास। तो दोस्तों 3-4 फोन जी हो गए, उसके बाद दोस्तों आता है पोको की तरफ से पोको का M2। दोस्तों आप इसको स्किप कर सकते हो, इसके बाद है दोस्तों पोको का M2 Pro। दोस्तों ये है दोस्तों 12,000 रुपये का डिवाइस, जिसमें दोस्तों सेम आपको
डिज़ाइन, प्रोसेसर और बैटरी सेम आपको रेडमी के 9 प्रो मैक्स जैसी मिलती है। तो अगर आप इस फ़ोन लेना चाहते हो तो जी मिल जाएगा दोस्तों आपको इस सेल में 12,000 रुपये का, और अगर कार्ड डिस्काउंट लगाओगे तो जी रहेगा दोस्तों 11,000 रुपये के आसपास, जो कि दोस्तों काफ़ी अच्छी डील है 11,000 रुपये में, क्योंकि दोस्तों 11,000 रुपये में आपको मिल रही है ग्लास बॉडी देखने को मिल रही है, प्रोटेक्शन मिल रही है गोरिल्ला स्वाइप की बैक में, फ्रंट में और कैमरे के ऊपर भी। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा फ़ोन लगता है देखने में जी, काफ़ी पतला भी है, बैटरी भी काफ़ी बड़ी है, और जो दोस्तों प्रोसेसर है वो है दोस्तों स्नैपड्रैगन का 720G। तो दोस्तों आपको एक बात का ध्यान रखना है, ये जो फ़ोन है जो आपको सेल में मिल रहे हैं, जितने भी फ़ोन मैं आपको बता रहा हूँ, सारे फ़ोन सिर्फ 4G सपोर्ट करते हैं, इनमें दोस्तों एक भी फ़ोन 5G नहीं है। तो आप इस टेंशन में बिल्कुल मत रहना, इस भ्रम में बिल्कुल मत रहना कि मैं आपको कोई ऐसा फ़ोन बताने जा रहा हूँ जिसमें दोस्तों आपको 5G भी सपोर्ट करता हो, क्योंकि दोस्तों अभी 5G का कोई पता भी नहीं है कब आएगा, कब से स्टार्ट होगा, कब से मिलना हमें शुरू होगा। तो आपको अभी 5G के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है। अगर आप अभी आप 5G लोगे तो दोस्तों 5G के चक्कर में आप फिर भी उसमें 4G यूज़ करना पड़ेगा, जब आप 5G इंडिया में आ जाए तब आप 5G के चक्कर में पड़ना। दोस्तों अब अगली डील की बात करते हैं, तो दोस्तों ये है दोस्तों IQ3। दोस्तों इसकी जो प्राइस होती है, वैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए इसकी जो प्राइस होती है वो होती है 30,000 रुपये का समथिंग, ये देखिए 29,990। इसका दोस्तों जो बेस वेरियंट है वो है 30,000 रुपये, बट अगर आप ये सेल में खरीदते हो तो देखिए जो मिल जाएगा आपको सिर्फ 25,000 रुपये का, और वहीं अगर आप इसके ऊपर कार्ड डिस्काउंट लगाओगे तो ये रहेगा 23,000 रुपये के आसपास। 23,000 रुपये में आपको स्नैपड्रैगन का एक लेटेस्ट प्रोसेसर देखने को मिल रहा है, जो दोस्तों स्नैपड्रैगन का 865, जो दोस्तों एक काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है जिसमें आप कितनी भी हैवी गेमिंग कर सकते हो, कितनी भी हैवी मल्टीटास्किंग कर सकते हो, आपका फ़ोन बिल्कुल भी हैंग नहीं होगा, बिल्कुल भी लैगिंग नहीं करेगा, आपको एकदम स्मूथ एक्सपीरियंस मिलेगा इस डिवाइस के अंदर। दोस्तों एक ये एक फ्लैगशिप फ़ोन है, बट दोस्तों जो सेल के अंदर जो मिल रहा है काफ़ी अच्छी कीमत में मिल रहा है, आप इस फ़ोन से आप अच्छे से जा सकते हो। बस इसकी दोस्तों जो ब्रांड है, जो कंपनी है वो थोड़ी नई है, नहीं दोस्तों इसके अंदर सेम आपको वही पीछे दिए गए हैं जो हमें सैमसंग के एक फ्लैगशिप फ़ोन में देखने को मिलते हैं। सैमसंग भी दोस्तों हमें 50,000 रुपये में इंडिया के अंदर स्नैपड्रैगन नहीं देता, सिर्फ एक्जिनोस देता है, बट जे आपको दे रहा है IQ3 आपको दे रहा है दोस्तों स्नैपड्रैगन का 865, जो कि दोस्तों एक फ्लैगशिप फ़ोन है, फ्लैगशिप प्रोसेसर है, जो हमें दोस्तों ज़्यादातर हमें देखने को मिलता है वन प्लस के डिवाइस जो होते हैं दोस्तों महंगे वाले उनमें। अब दोस्तों नेक्स्ट डील की जो बात करते हैं, तो वैसे दोस्तों कोई भी नहीं है, बट दोस्तों काफ़ी ऐसे लोग भी होते हैं जिनको सिर्फ एक ऐसा फ़ोन चाहिए होता है जो सैमसंग कंपनी का हो, और दोस्तों काफ़ी अच्छे फीचर दिए गए हैं उसमें। दोस्तों देखिए सैमसंग का S20 FE, दोस्तों इसकी प्राइस सेल के अंदर भी उतनी है जितनी सेल के पहले है, दोस्तों देखिए इसकी प्राइस है दोस्तों 45,000 रुपये, बट अगर आप इसे सेल के अंदर खरीदते हो फिर भी दोस्तों जी आपको सिर्फ 45,000 का ही मिलेगा, और कार्ड डिस्काउंट लगा दोगे तो 1,200 कम हो जाएंगे। बट अगर आप इस फ़ोन को लेना चाहते हो तो मैं आपको एक अच्छा तरीका बताता हूँ, आप इस फ़ोन को अपनी मार्केट से जाके परचेस करें, जहाँ आप रहते हो वहाँ आसपास दोस्तों जो दुकानें होती है मोबाइल की वहाँ जाके आप ट्राई करें, क्योंकि दोस्तों जब मैंने ये फ़ोन अपनी मार्केट में आकर ट्राई किया था तो मुझे दोस्तों ये कैश में, अगर मैं इसका कैश पेमेंट करता हूँ तो ये मुझे सिर्फ कैश में 34,500 रुपये के आसपास देखने को मिल रहा था, जो दोस्तों दुकानदार था वो मुझे 34,500 रुपये में देने के लिए तैयार हो गया था सैमसंग का गलेक्सी S20 FE, जिसकी प्राइस दोस्तों 45,000 रुपये है, कभी कभी 41,000 रुपये हो जाती है फ्लिपकार्ट के ऊपर। तो ये फ़ोन मुझे सिर्फ 34,500 रुपये में देखने को मिल रहा था, प्लस दोस्तों मुझे इसके साथ एक कनेक्टर भी फ्री मिल रहा था जो 3.5mm जैक का कनेक्टर होता है, क्योंकि इसमें 3.5mm जैक का जो दोस्तों जो हॉल होता है वो दिया नहीं गया है, तो मुझे एक कनेक्टर भी फ्री मिल रहा था, और प्लस दोस्तों एक पावर बैंक भी फ्री मिल रही थी। दोस्तों मुझे सिर्फ 35,000 रुपये पेमेंट करना था, और मुझे 35,000 रुपये में एक मोबाइल, एक कनेक्टर दोस्तों अलग से, और एक पावर बैंक फ्री मिल रहा था। तो दोस्तों 35,000 रुपये में काफ़ी अच्छी डील है, अगर आपको ये फ़ोन चाहिए सैमसंग का ये वाला S20 अभी, तो आप अपनी मार्केट में आकर ट्राई कर सकते हो। आपको ये एक बात ध्यान रखना है कि आपको इतना कटा डिस्काउंट सिर्फ तभी मिलेगा जब आप इस फ़ोन का जो पेमेंट है वो कैश में करते हो, अगर आप इसको EMI पर खरीदोगे तो दोस्तों ये आपको ऑनलाइन वाले रेट पर ही मिलेगा, बट अगर आप इसको कैश में खरीदते हो तो ये आपको 35,000 रुपये के आसपास देखने को मिल जाएगा, और प्लस दोस्तों आपको कुछ ऑफर भी साथ में देखने को मिल जाएंगे, कुछ जो दोस्तों गिफ्ट वगैरह होते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा कि आपको इस लिस्ट में से कौन कौन से फ़ोन लेने चाहिए, और दोस्तों जितने भी फ़ोन मैंने आपको लिस्ट में बताए हैं वो सारे फ़ोन वैल्यू फॉर मनी हैं और अच्छे अच्छे ब्रांड के हैं। अगर आपको सैमसंग का लेना है तो आप मार्केट से आगे ले सकते हो, जैसे कि मैंने आपको वही बताया था।
बट दोस्तों इस लिस्ट में, इस सेल में सबसे अच्छा फ़ोन मुझे लगा आईफोन 11, जो दोस्तों हमें मिलता है 45,500 रुपये के आसपास। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों इस तरह की वीडियो मैं आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।